हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल HB एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 68,500 शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, आवेदन डेट जो उसकी आ गई है और वो समय सारणी क्या बदल गई है। पहले क्या डेट थी, तो दोस्तों अब वो डेट बदल गई है। अब जो है आपके आवेदन जो है वो कौन सी डेट है वो इस वीडियो में हम जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि UPTET की जो रिजल्ट डेट है वो भी आ गई है। जैसा कि तो उसी के आधार पर ये जो आवेदन की तिथि है वो उसी के आधार पर बदली है, क्योंकि टेट का रिजल्ट में संशोधन हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए तो आज है 19 नवंबर 2018 और शिक्षक भर्ती 68,500 जैसा कि आपको पता है कि आने वाली वैकेंसी हैं ये। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। जानने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड खबरें इस चैनल के माध्यम से आप रोज़ाना अपडेट पाएंगे, और रोज़ाना लगातार आपको कोई भी सबसे पहले न्यूज़ खबर आती है या फिर कोई भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले इन वीडियो को लेकर के आता हूं और आपको अपडेट कराता हूं। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आज की जो हमारा वीडियो का मुद्दा है। तो यहाँ पर देखिए कि UPTET 2018 के परिणाम के आने की तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए नई तिथि घोषित की गई है। तो नई तिथि कौन सी है, यह नई तिथि पे आएगा। जैसा कि परीक्षा फल कौन सी आएगा, रिजल्ट जो है आपका 5 दिसंबर 2018 को आएगा, और आपका जो 68,500 शिक्षक भर्ती जो होनी है, जो आवेदन आने हैं, वो आपके 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 2018 को लिए जाएंगे। ठीक है, 6 से 20 दिसंबर तक आपके शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन लिए जाएंगे, और जिसमें आपको क्लियर कर दिया गया है कि ये 5 दिसंबर तक परीक्षा फल आ जाएगा आपका। ठीक है, जो कल 18 नवंबर को टेट परीक्षा हुई है। तो दोस्तों इसमें देखिए एक और आपको यही अपडेट है, वैसे तो इसमें सब कुछ आपको बता ही दिया है, मैंने वीडियो एक और बना दी है पहले ही। तो यहाँ पर देखिए 10 दिसंबर तक तारीख निर्धारित की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए इसमें पूरा आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ मैं। इसमें देखिए प्रदेश में रविवार को आयोजित TET 2018 का ये सब कुछ बता दिया था मैंने। ठीक है, तो ये जो है देखिए यहाँ पर आप पढ़ के जो आपको मुझे बताना है वो बात ये है कि यहाँ पर देखिए TET 2018 में परिणाम जारी करने के लिए पहले 10 दिसंबर तक तारीख निर्धारित की गई थी। पहले क्या थी, 10 तारीख की गई थी, अब जो है 5 दिसंबर तक कर दिया गया है, क्योंकि अब जो शिक्षक भर्ती है सबसे जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, पर मैं बता दूं आपको कि जो चुनाव आने हैं, चुनाव आने की वजह से ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, और 68,500 शिक्षक भर्ती जो पहले हो चुकी है उसमें भी यही वजह थी कि जिसकी इतनी जल्दी नियुक्ति दे दी गई 41,000 लोगों को, और अभी 27,000 वैकेंसी है वो भी भरी जानी है, उनका भी देखिए। ठीक है, उनका भी होना है। और ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरा मुद्दा है वो भटक रहा था अभी। ठीक है, तो देखिए 10 दिसंबर तक तारीख निर्धारित की गई थी, है ना। तो रविवार को TET संपन्न होने के बाद विभाग ने, अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार ने मीडिया को बताया कि 5 दिसंबर तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन जमा कराने कार्य भी 5 दिन पहले 6 से 20 दिसंबर तक शुरू होगा। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ जो है डॉक्टर प्रभात कुमार सचिव हैं, उन्होंने ही ये दी है। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो मुझे आपको अपडेट करानी थी दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए हमारी इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जिससे कि उनको भी ये पता चले। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमारी वीडियो सबसे पहले पा सकते हैं, और जो भी है उनको आप वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।